अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना, हमारे गेट के अंदर कभी जिंदगी में ना आ जाए। राखी की इमेज डैमेज करना मेरा मुद्दा नहीं है, ये राजश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज, आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियां नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरेस करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूँ, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूंगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं, और या वो उनका उनके दिल में ही ये बात थी कि राजश्री को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है, तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियां दिलाई है। रात के कुछ 1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है, तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि वो धमकी क्या है। और मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ राखी ने मुझे क्या धमकियां दी है। थोड़ा फेस के, अरे वो ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, आप फेस के थोड़े से साइड थोड़े कुछ। सब्जेक्ट: कंप्लेंट अगेंस्ट राखी सावंत फॉर डिफेमिंग मी एंड कॉजिंग थ्रेट्स टू मी ऑफ रुइनिंग माय बिजनेस बाय मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस। सर, आई द अबव नेम रेसिडिंग एट द अबव मेंशन एड्रेस वुड हियरबाय लाइक टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत फॉर द रीजन मेंशनड हियर आफ्टर। फर्स्ट, I state that since last few days, Ms. Rakhi Sawant has been causing mental harassment to me by causing me threats that if I speak against her in media or if I take any legal actions against her, she will defame me and cause harm to my life by exposing me in media. Second, it may be noted that she has been spreading false rumors that I do illegal activities under the garb of my nail art studio business. She also has been defaming me by telling various people that I am into illegal acts. Third, it may be noted that she has been threatening me and falsely implicate me in case if I don't do whatever she tells me to do. In the aforementioned circumstances, I would like to bring to your notice that if anything happens to me personally or professionally, Ms. Rakhi Sawant should be held responsible for the same. Kindly note this letter is for purpose of information to maintain records for further in case if I have to take any legal actions. Thanking you. Yours faithfully, Rajesh Kimore. So, देखा आपने? अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैंने, मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, उसका जो एक बुरा टाइम चल रहा था उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राजश्री मोरे थी, और आज उसी राजश्री मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीज़ें बाहर लेके आऊँ, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है, तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी जिंदगी में ना आ जाए, और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी,
मेरे घर में वो इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है, मैंने उसका एक सिस्टर की तरह एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो मैं सोचती थी वो अकेली है, वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है? राखी सावंत, आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक चीज और, नेल आर्ट स्टूडियो जो लोखंडवाला मार्केट में है, मैं पिछले 12 साल से चला रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, आप सबको भी पता होगा आज बिजनेस करना कोई मामूली चीज नहीं है। हमें डे वन से लेके आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी। ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? एक चीज और, किसी को धमकी देने से पहले आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। राखी सावंत जो मेरे स्टूडियो है ना, वो नेल आर्ट स्टूडियो है, ठीक है, वहां पे कोई मसाज नहीं होती है। एक चीज जैसे हाँ, डे वन से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स है कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है, वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है, कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है, आपको क्या लगता है आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है, आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से मेरी और राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी, और आज सडनली मैं ये सारी चीजें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया, क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरी मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसे कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है, आप प्लीज मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है, हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ दो शब्द भी गलत बोले। मैं दुबई से आई थी 4 तारीख को जी, और ये 5 तारीख की बात है, 5 तारीख की मॉर्निंग में फाल्गुनी जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, जो एडवोकेट फाल्गुनी है, उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई राखी की मेरी, और फाल्गुनी चाहती थी कि जो भी झगड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा और राखी का बहुत फाइट हो गया, बहुत 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 झगड़े हो गए, हालांकि राखी क्या गंद बोल रही थी मैं आपको बताना नहीं चाहती, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। देन उसके बाद राखी का मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आता है, राशनी तू मुझे बैक रोड पे मिल 10 मिनट के लिए, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं जैसी थी मैं वैसी ही निकली थी, वो वीडियो आज भी अभी आप निकालो तो आपको पता चलेगा मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, मेरे बाल भी ऐसे खुले थे, जैसे मैं यहाँ पे घर पे पड़ी हुई थी मैं वैसे ही निकल गई थी। मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ तो इतनी सारी मीडिया है वहाँ पे, मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था सब कुछ। एंड वहाँ पे वही जी भी थे, वहाँ पे फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी लेट आई थी, वन ऑफ माई फ्रेंड वो भी वहाँ पे थे, तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है ओ ये तो पैचअप है, और वो भी जो मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है।
अगर आप वो वीडियोस निकालो तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी, मैं एकदम साइलेंट थी, मैं कह रही थी मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो सब राखी का एक ड्रामा था लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उसके लिए मैं कुछ ना बोलूं, आप तक, जनता तक उसकी कोई चीज बाहर ना आए, इस वजह से उसने ये किया था। मुझे लगता है दुबई ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरी जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकल गया, राखी सावंत। मैंने इतनी हिम्मत की अपने जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकालने के लिए। अगर दुबई ना जाती तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत भी ना आती। राखी सावंत ने मुझे कहा था कि उसका दुबई में क्लब ओपन हो रहा है, वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आई सेड ओके। मैं तो इतनी खुश थी कि राखी की टिकट्स भी मैंने करवाई थी। हालांकि अगर उसका क्लब था तो उसको मेरी टिकट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। मैंने राखी की टिकट्स करवाई। हम लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, हमारा एक दिन बहुत अच्छा जाता है। हम 20 तारीख को यहाँ से जाते हैं, हमारा 21st यस हमारी बहुत अच्छे से जाती है। 22nd को हम यॉट में घूमते, वो भी काफ़ी अच्छा था। 23rd को ओपनिंग थी, वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि ये क्लब राखी सावंत का नहीं है। उसको केवल और केवल ओपनिंग के लिए बुलाया था, वो एक रिबिन कट करने के लिए बुलाया था, दैट्स इट। वो क्लब उसका नहीं था। एंड अचानक शाम को कुछ करीबन 5:30 बजे ऐसा होता है, राखी मुझे कहती है एक काम कर, जो ऑनर है, जो क्लब के, जो होटल के ऑनर है, उनके पास जाए और आप उनको बोलिए कि मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो काम मेरा नहीं है। पहली बात राखी आप लोगों ने क्या डील की है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि आपके डील में क्या क्या लेना होता है, देना होता है, आपका प्रोफेशन ही नहीं मुझे पता है। मैं तो एक काम करके, मेहनत करके कमा के खाने वाली लड़की हूँ, मुझे क्या पता है कैसे एक इनोग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, क्या डील्स होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जीरो नॉलेज है मुझे सबकी। तो मुझे कहती नहीं तुझे तो जाना ही पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा उनको कि मैं एक इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हूँ और मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी सबसे पहले तो आप ये बात जानिए, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आपकी खुशी में यहाँ पे खुश होने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो आप अपना काम खुद करें, आपने खुद आपकी खुद की डील की है तो आप खुद जाके सब कुछ करिए। देन उसने फ्रंट ऑफ, मेरे ख्याल से वहाँ 10-15 लोग होंगे, उसने सबके सामने मुझे जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तू हमेशा यही करती है, तेरा तो, तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तू आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, तू आज यहाँ पर भी आके यही कर रही है। मैंने कहा राखी ये सब कुछ बंद करो, अपनी चीपनेस बंद करो, ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ, वो भी मुझे परदेश लेके आके, तो ये सब ना करे। उस दिन ही हमारा लास्ट डे था, हम लोग साथ में रुके थे, उसके बाद हम 24th को अलग अलग हो गए थे। मैंने होटल छोड़ दिया था, मैंने कौन सा होटल था, द लीला, वहाँ जाके हमने चेकिंग कर ली थी मैंने और फाल्गुनी ने, और हम टोटली अलग हो गए थे। और वो दिन और आज का दिन राखी से मेरे कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। जिस दिन राखी के मम्मी की डेथ हुई थी हम लोग साथ में ही थे, फिर हम लोग हॉस्पिटल में जाके जो बोलना से क्या पर्टिकुलर को क्या वर्ड यूज करते हैं, जो बॉडी रखी जाती है फ्रिज में, यस वहाँ गए थे हम। फिर हमने वहाँ वो पूरा प्रोसीजर किया, वहाँ से हम सीधा घर आते हैं। आदिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, आदिल हमें मेरे घर के नीचे मिलते हैं, फिर हम सीधा ऊपर आते हैं। फिर भूख तो सभी को लगी हुई थी, फिर ये मयूर है, मेरा भांजा है, मैंने इनको बोला था खाना ऑर्डर करने के लिए, तो इन्होंने बोला था वेज या नॉन वेज, तो आई सेड वेज ही खाएंगे, क्योंकि देखो हम कोई भी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि गरीब अमीर, नॉर्मल और मॉर, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के घर पर कुछ बुरी घटना घटती है ना, तो इंसान के गले के नीचे तो दाल खिचड़ी भी नहीं उतरती है, राइट, ये सबको ही पता है। तो जब मैंने पूछा कि क्या मंगवाना है, देन उन्होंने बोला कि उनको नॉन वेज खाना है। तो हाँ, हमारे घर पे उस दिन बिरयानी आई थी, चिकन चिल्ली आई थी एंड फ्राइड राइस आया था, और उस सब ने खाया था। तो मतलब राखी ने खाया था, राखी ने खाया, मैंने खाया, आदिल ने खाया, मयूर ने भी खाया, एक दोस्त मेरी और थी संगीता, उसने भी खाया। वो साड़ी भी मेरी थी, वो जो उसने साड़ी पहनी है वो साड़ी मेरी थी। हमें नहीं पता था कि उस दिन उनकी मम्मी की डेथ होने वाली है,
वो कुछ ग्लैम्बिंग ऐप होता है ना, वो जो क्या करते हैं लोग ग्लैम्बिंग, हाँ ग्लैम्बिंग कुछ ऐप होती है वो, उसका शूट यहाँ पे खड़े होके चल रहा था, ठीक इस टीवी के पास चल रहा था। ये सब कुछ होने के बाद हम सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चलता है उनकी मम्मी की डेथ हो गई। हमारे सामने ही बोली गई थी वो बात, ऐसी नहीं था कि वो डेथ पहले हुई थी, अभी वो हॉस्पिटल वालों को पता क्या है, बट लेकिन डिक्लेयर हमारे सामने की गई है कि भाई अभी अभी डेथ हो गई है। और वो साड़ी वो सब कुछ फुटेज उसी दिन का था, वापस उसी साड़ी में घर पे आए हुए हैं। वो साड़ी आज तक मुझे रिटर्न नहीं दी है ना, दोबारा कहीं नहीं है, नहीं अगर मुझे याद है। मैंने सब मीडिया में आके नीचे बताया था कि राखी की मम्मी अब नहीं रहे हैं, बहुत दुखद घटना है कि राखी की मम्मी नहीं है। तो नहीं, हम लोग फिर साथ में एंड में ही सब लोग नीचे उतरे थे। आपको लगता है सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था? राखी का पति था, ठीक है। खुद का रिश्ता निभ नहीं रहा था, रोज के झगड़े रोज के झगड़े रोज के झगड़े में तंग आ गई थी। हालात तक मैंने आदिल को और राखी को बोल दिया था कि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग हो गई हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। कभी मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है, कभी मुझे राखी को समझाना पड़ता है। तो मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगी, लास्ट में एंड में राखी का और आदिल के जो जितने अच्छे रिश्ते चल रहे थे, साथ में मिलते थे या वक्त गुजारते थे, तो केवल और केवल मेरे वजह से चलता था वो। मैं आज भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी चालू कर सकती हूँ, मैं अभी चालू कर भी दूंगी, क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तुड़वाया है। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध पिलाती थी, मैं उसको पट्टियाँ पढ़ाती थी, फिर जाके वो आदिल से लड़ती थी, फिर उससे झगड़े करती थी। एंड इतनी बड़ी बात कि आदिल को जेल में डालने का हाथ मेरा है? मैं वहाँ पे अवेलेबल थी जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर FIR नहीं हो रही थी। आदिल के ऊपर सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं, हम FIR नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। मैं गलत हो सकती हूँ, धाराएं बोलने में मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं, तो ये यहाँ वहाँ पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी, इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। एंड देन वो एडवोकेट के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि तू खड़ी होके कर क्या रही है यहाँ पे, तू कर तू कर तू कर, उसने इतना हरास किया था सबको। और मैं आदिल को डालूंगी जेल में? मेरा और आदिल का प्रॉब्लम ही क्या है? आप अभी के अभी आदिल को कॉल करें, मैं करती हूँ आदिल को फोन और मैं पूछती हूँ कि मेरे और उसमें कभी जाति दुश्मनी हुई नहीं है, मैं क्यों करूंगी? मैं आदिल को भाई बोलती थी। आदिल को ये बात पूछना चाहूंगी कि आदिल ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने राखी को कॉल किया था और मेरे कॉल के बाद राखी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और फिर पुलिस को बुलाया है और फिर तुम्हें पकड़वाया है। सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखा दो आदिल को। अभी मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं लगाने के लिए राखी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, तो वैसे मैं आदिल के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, बट मुझे लगाने नहीं है। ये मेरे क्लास को, मेरे डिसेंसी को शोभा नहीं देते हैं। झूठ मुझे बोलना नहीं आता है। आप दोनों का रिश्ता आप दोनों से ही नहीं संभला गया तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? लगता राखी ने मुझे डे वन से मोहरा बनाया था। आज आप जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे साधमा, ये चीजें मैंने बाहर से भी सुनी है कि मैंने इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगवाए हैं, बहुत झगड़े लगवाए हैं। राखी सरासर झूठ बोल रही है, राखी को प्रॉब्लम है, राखी बीमार है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, देश की जनता को, राखी बीमार है, राखी को प्रॉब्लम है। राखी विजुअलाइज करती है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं किसका नाम डालूं, मैं किसका नाम डालूं, तो वो क्या करती है, स्टोरी बना लेती है, जो वो चीजें खुद करती है, खुद को साइड रखती है, फिर वो सोचती है अभी मैं क्या करूं, किसको डालूं, तो उसको मैं दिखती हूँ, राश्री सामने नजर आती है, फिर वो राश्री को बीच में डालती है। राखी बीमार है, देश की जनता को भी ये बात पता है। तो राखी को है ना, गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं यहाँ पे राखी की इमेज डैमेज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, अपनी इमेज को सही करने के लिए बैठी हूँ, राइट? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राखी की इमेज क्या है, राखी क्या करती है अपने पर्सनल लाइफ में, और उसकी इमेज डैमेज करके मुझे क्या मिलेगा? जो राखी करती है वो सेम मैं करूँगी? बिल्कुल भी नहीं।
राखी में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो राखी सावंत है, वो कुछ भी कर सकती है और रोज रात को यही सोचती है कि कल उठ के किसके ऊपर आरोप लगाओ, कल किसका कैरेक्टर खराब करूं, कल किसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूं, कल किसको धमकी दूं। उसका दिमाग सिर्फ इसी में होता है, मेरा ये सब नहीं है। मैं एक बिजनेस करने वाली लड़की हूं, मैं बहुत मेहनत से आगे आई हूं, बहुत मेहनत करती हूं, तो मुझे सब शोभा भी नहीं देता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं उसकी इमेज डैमेज करूं, राखी की इमेज डैमेज करना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं राखी ने जो मेरी इमेज डैमेज की है कि मैं नेल आर्ट स्टूडियो में ये सारे काम करवाती हूँ, मैं अपनी इमेज को ठीक करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। वो पीछे से कब क्या कर जाती है, क्या मतलब ऐसे चुटकियों में काम कर जाती है, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कब किसको मोहरा बना के यूज करके निकल जाती है पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आदिल के बारे में क्या ही जवाब दूँ। मैं अपना ही नहीं समझ पा रही हूँ कि राखी ने मुझे कब फंसाया। तो मैंने अपने बारे में बताया कि राखी बीमार है। मैं फिर से कहूंगी, राखी बीमार है। राखी को प्लीज जनता गेटवेल से उनके मैसेज भेजिए, राखी की हालत बहुत खराब है, बीमार हो गई है। लोगों के ऊपर ऐसे जो कुत्ते की तरह सू करके चढ़ जाती है ना, वो बंद करवाइए। उसका ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी को भी खराब कर सकती हूँ, किसी को भी धमकियाँ दे सकती हूँ, किसी का भी बिजनेस खराब कर सकती हूँ, किसी का भी कैरेक्टर खराब कर सकती हूँ, तो राखी मैडम इतना इजी नहीं है ये सब कुछ करना। मैं आपको बताऊँ, आज राखी ने मेरे बिजनेस पे तो उंगली उठाई है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। वो उसने ये बोला है, अगर मैंने मीडिया के सामने मुँह खोला तो वो मेरे खिलाफ बाहर जाके बातें बताएगी, मीडिया ट्रायल करेगी और मीडिया में बोलेगी कि मेरे दुकान के अंदर, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो राखी सावंत, मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, और मुझे प्रूफ चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आप सब लोग मेरी हेल्प करें इसके लिए। मेरा आज बिजनेस है तो सब कुछ है। देखिए, मेरे यहाँ पे 40 लोग काम करते हैं, मेरा घर उसी पे चलता है। आज 40 लोगों का घर भी उसी पे चलता है। हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, उनके पास से हम माल लेते हैं, उनका घर हमसे जुड़ा हुआ होता है। आज मेरी हेल्पर से लेके मेरे टेक्नीशियंस तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राखी सावंत क्या करना चाहती है, सबके पेट पे लात मारना चाहती है? ये कंप्लेंट है कि कल को मुझे कुछ भी हानि ना हो। देखिए, यहाँ तक कि अगर मुझे कोई पर्सनल हानि भी होती है ना, तो ये भी रिलेटेड टू राखी सावंत से ही होती है। मैं इस तरीके से डर लग रहा है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरे कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। जब राखी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती है, इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। जब मेरा दूसरा सेकेंड नहीं, वो मेरा थर्ड वाला है, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो वो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आधी मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जो इस इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राजश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राजश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगी। ये राजश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, राजश्री को फाइनेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं राखी को करती हूँ। राखी को मैंने इतना फाइनेंस किया है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, आफ्टरनून का टिफिन, रात का खाना, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, कपड़े मेरे, यहाँ तक जूता चप्पल भी मेरा। अगर कभी गलती से मैं कोई एक अच्छा पर्स लेके बाहर निकलूं और राखी मैडम ने वो देख लिया, अरे
इसके पास इतना अच्छा पर्स कैसे हो सकता है? राजश्री एक काम कर, वो पर्स ना मैं लूंगी। भाई ठीक है, तू ये ले ले, तू ये भी ले ले। अब मुझे लगता है राखी सावंत को मेरी किडनी के अलावा तो सब कुछ मिल चुका है। अभी वो भी चाहिए तो राखी सावंत बता दे, मैं दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 7 महीने से राखी एक व्हाइट कलर की गाड़ी में घूमती है, जीप कंपास। वो गाड़ी किसकी है? वो मेरी है। लेकिन राखी सावंत लोगों को बताती, वो गाड़ी भी उसकी है। इस घर में आगे रहती थी तो क्या पता उसने ये भी बोला है कि ये घर भी उसका है। राखी ने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ उसका बता दिया है। कभी ये नहीं बोला कि राजश्री मेरी है, राजश्री ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, आज राखी के लिए क्या नहीं किया है। इस वजह से कि वो मुझे धमकियां देगी, मुझे ऐसे निकाल के फेंकना चाहती है, मुझे वो क्या करना चाहती है मेरे साथ, क्यों करना चाहती है? जब मैं उसकी दोस्त थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं उसकी दोस्त थी तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ, राखी मेरी नहीं, राजश्री मेरी माँ है, राजश्री मेरी बहन है, राजश्री मेरी जान है। जान तो वो इतना बोलती है, यहाँ मुंह करके बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, पीट इसको पीट करके इसको बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। राखी की तो इतनी जान है ना मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई में, उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उसको लोगों का उपयोग करना होता है। सो इन दैट केस पूरा मुंबई, पूरा आउट ऑफ इंडिया उसकी जान है। मैं कोई बहुत अच्छे मुद्दे पे आ रही थी, बताती हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर मुझे पहले से सारी जानकारी होती, मैं लोगों राखी के पास साथ दोस्ती करने से पहले, मुझे जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुझे आदिल को पूछना चाहिए था, या और भी उसके लाइफ में लोग थे उनको मैं पूछती कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऐसी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मैं अपना यहाँ किस्सा, मैं अपना रोना लेके यहाँ बैठी हूँ कि राखी ने मेरे साथ ये किया, राखी ने मुझे फाइनेंशियली यूज किया, राखी ने मुझे मेंटली हरेस किया, राखी मुझे धमकियां दे रही है। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछू? देखिए, मेरे स्टूडियो में अगर आप कोई भी लड़की एक घंटा भी स्पेंड करती है ना, तो ये तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं कि आपने इडली खा ली 150 रुपए की और आप निकल गए। तो हमारे स्टूडियो में क्या होता है, हम सर्विस देने वाले लोग हैं, तो कोई भी सर्विस 1 आवर से नीचे की होती नहीं है। ठीक है, तो कोई सर्विस अगर 1 आवर की भी आप लेते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका 2000 का बिल तो बन ही जाता है। तो राखी मैडम 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में रहती है, तो आप सोचिए दिन का कम से कम 25-30 हजार का बिल बनता है। राखी मैडम से मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए हैं, उसने कभी कोई बिल पे किया ही नहीं है। मैंने ऑलवेज दोस्ती में उसके लिए सब कुछ किया है। यहाँ तक वो जब स्टूडियो में आती थी, वो इतना मेरे स्टाफ को हरेस करती थी, परेशान करती थी, उसके वजह से मेरे 4 अच्छे क्लाइंट उठ के चले जाते थे। किसको अच्छा लगता है ड्रामा? मैं राखी सावंत, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले उसके जहन में, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो बीमार है, वो विजुअलाइज करती है। और वो जो लोगों को बताती थी ना कि मैंने फाइनेंस किया है, उसको वो यकीन होने लग गया था कि ये स्टूडियो में मेरा फाइनेंस है। तो वो अंदर आती थी और ये हल्ला करना स्टार्ट करती थी, पहले मेरा करो। फिर भी मैं उसको जैसे तैसे संभालती थी। आपको पता है, हम अगर हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम पहले से अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं इस ड्रेस में कैसे लगूंगा। आपने भी किया होगा, मैं भी करती हूँ। कल को मैं कोई साड़ी खरीदूंगी तो मैं सोचती हूँ यार मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर तो लग ही जाऊंगी, राइट? ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन राखी का विजुअलाइज करने अपग्रेड हो चुकी है। जैसे कि कहते हैं ना, अगर एक झूठ 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, ऐसी हालत हो गई है राखी की। एक झूठ वो 100 बार बोलती है तो उसको वो सच लगने लग जाता है। और वो यही दुनिया को भी यही दिखाती है, वो एक ही चीज देखना रिपीट करेगी, रिपीट देगी। आप कभी भी आप जब भी उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक चीज को कम से कम 10 बार रिपीट करेगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है। उसको पता है लोगों के माइंड के साथ कैसे खेला जाता है। जी सलमान भाई की जो हमने मूवी देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो इस तरीके का किस्सा था। ईद थी, मुझे जैसे कि राखी ने बोला था कि वो रोजे कर रही है, ऐसा राखी ने बोला था, तो मैंने बहुत रोजे नहीं रखती थी भगवान। इफ्तारी के टाइम पे उससे मिलती थी, वो इफ्तारी के लिए इसी घर में हम मिलते थे। हालांकि केवल राखी के लिए मैं इफ्तारी नहीं करवाती थी, मेरे 2-4 फ्रेंड्स और भी थे, उनके लिए भी वो इफ्तारी थी। मेरा काम था इबादत करना। अब कौन कैसी नियत से कर रहा है मुझे क्या पता,
मैंने अपने तरीके से पूरी इबादत की थी, मैंने इफ्तारी करवाई थी, अब रोजे से हम चलते हैं ईद पे। ईद थी तो राखी ने मुझे बोला था, राशनी मुझे ईद पे सबसे खूबसूरत लगना है, मुझे एकदम अप्सरा लगना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अप्सरा रेडी कर देते। और मैंने उसको ये भी बोला था सब कुछ मैं करूँगी तुम्हारे लिए। देन लोखंड वाला मार्केट में दो चार शॉप वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने टाइम से, मैं 12 साल से वहाँ पे हूँ, तो वो लोग मुझे जानते हैं। उनके पास हम गए, मैंने उनसे ड्रेसेस दिलवाई, तो राखी ने उनको बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं कोलैब करूँगी। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी पे मुझे ही करना है। तो कोलैब की बातें हुई, तो राखी ने उनसे कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, उनसे जूते लिए, उनसे पर्स तक लिए, ये चार चार चीज़ें ली। वो जो जिस दिन उसने ड्रेस पहनी थी ईद के दिन, वो गोल्डन कलर की ड्रेस, वो मैंने उसको कोलैब में दिलवाई थी। उसने वो ड्रेस पूरी फाड़ के उस दुकान वाले को रिटर्न की। उस वजह से उस शॉपकीपर ने मुझसे इतनी फाइट की, मैंने उस ड्रेस के पूरे पैसे भी उस शॉपकीपर को दिए और वो ड्रेस भी उसको रिटर्न दी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे किस काम की। जिससे उसने पर्स लिए उसने उसको रिटर्न नहीं किए। उसने मार्केट में मेरा इस हद तक नाम खराब कर दिया है। आज अगर मैं लोखंड वाला में चलती हूँ तो लोग बोलते हैं देखो ये राश्री राखी की फ्रेंड जा रही है, दोनों एक जैसे हैं। मतलब मैं भी ठग हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, एक एक चीज़ एक एक अपना रुपया दे के खरीदती हूँ। मुझे शॉपिंग करने की बहुत आदत है, लेकिन इस तरीके से मांग के नहीं लेती लोगों से कि मुझसे कोलैब करो और लोगों की चीज़ें खराब करके देती हूँ। राखी की वजह से मेरा बहुत नाम खराब हो चुका है मार्केट में। लोग तो लगता है मुझे देख के अपने कपड़े भी छुपा देते होंगे कि राखी की दोस्त आ गई, छुपाओ छुपाओ छुपाओ। इसमें देखना पर्स किसका खुलता है, पैसे कौन देता है, बांटता कौन है। मैंने 500 का बंडल निकाला और बच्चों को पैसे बांट रही है और बच्चों को बोलती है बच्चों पैसे फाड़ना मत। हाँ बड़े मेहनत से कमा के लाए थे ना मैडम ने, वो मेरे ही पैसे थे जी, जो नेल आर्ट स्टूडियो से। बिल्कुल आपने सही बोला, जिसके ऊपर वो एलिगेशन देती है ना कि ये सारे काम होते हैं, राश्री तो गलत है, राश्री तो गलत काम करवाती है, तो उसी से मैं उसको फाइनेंस करवाती थी। बहुत छोटी सी छोटी बात लगेगी ये, मुझे फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी ये बात, बहुत छोटी बात है। जहाँ पे हम गए थे ये आश्रम में, छोटे छोटे बच्चों के आश्रम में गए थे, उसने मुझे बोला था राश्री मैं चाहती हूँ कि कुछ करते हैं मेरी मम्मी की दुआ के लिए। तो मैंने कहा चलो हम आश्रम चलते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो हम वहाँ चले गए और उस दिन हमने मीडिया ट्रायल भी किया था वहाँ पे, तभी तो ये वीडियो है। तो हम वहाँ गए, मैं देखूँ भाई ये तो सीधा आश्रम को घुस रही है खाली हाथ, कुछ नहीं है, छोटे 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 बच्चे हैं वहाँ पे। मैं रस्ते में रुकी, मैंने कम से कम 7-8 केक लिए बच्चों के लिए, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, नान कटाई और वो लिए था कोल्ड ड्रिंक्स में। मैंने पेप्सी नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को पेप्सी और कोक नहीं पिलाना चाहिए, मैंने वो लिए, वो पीले पीले कलर का क्या फ्रूटी एंड बहुत सारी चीजें मैंने ली। फिर हम लोग अंदर गए, मैडम खड़ी हो गई क्रेडिट के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट आप ही का है, ऊपर वाला ईश्वर हमें देख रहा है ना कि कौन दिल से कर रहा है, उतना ही काफी है। अगर तुम आदिल के साथ मिल गई, आदिल के साथ जाके खड़ी हो गई, तो मैं ये सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी, खराब कर दूंगी। एक मिनट, मैं बहुत बहुत अहम चीज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ही किसी की एक वैल्यूएबल चीज है जो राखी ने मेरे पास रखने के लिए दी थी और पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझसे रिटर्न लेना चाहती है और मैंने उसको नहीं दी है, क्योंकि जिसकी अमानत है ये उसी के हाथ में जाए। राखी ने मुझे इसलिए रखने के लिए दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाती है आती है। सो इन दैट केस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आदिल का पासपोर्ट मेरे पास है। एक बार पासपोर्ट ही है और पिछले 4 दिन से वो मुझसे लेना चाहती थी, मुझे पता था ये बहुत वैल्यूएबल चीज है।
राखी अगर आज ले लेगी कल फिर से मुझ पर इल्जाम दे देगी कि राश्री के पास था, कल को मुझ पर एफआईआर हो जाएगा, जिसकी चीज है आदिल तो सीधा मुझ पर एफआईआर करेगा। तो ये चीज मैं चाहती हूँ, या तो ये चीज आप खुद आदिल को दे दीजिए या आज मैं उसको खुद लौटा देती हूँ। अजीब है, मुझे तो रितेश कभी समझ ही नहीं आया, मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। उनके फेरे के टाइम पे मैं अवेलेबल भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता, मतलब फेरे हुए थे वो जो कल आदिल ने दिखाए थे वो मेरे लिए शॉकिंग थे। हाँ, और वो मुझे नहीं पता वो शादी वादी कैसी हुई क्या है। लकी, बहुत बड़ा लकी है उसका नाम इतना अच्छा है, सोचिए वो कितना लकी होगा। तो तो कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एक दिन राखी अचानक मुझे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई लड़का है, उसका नाम लकी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राश्री तू मुझे बता मैं शादी करूँ या ना करूँ, तू जो बोलेगी मैं वही करूँगी। मैंने कहा तुम्हारा इंडिविजुअल है, आपका भी जैसे आदिल के साथ डिवोर्स हो जाता है आप अपना देख लीजिए, मुझे क्या करना है। तो लकी की फैमिली से उसने मेरी वीडियो कॉलिंग करवाई राखी के घर पर। वहाँ पे लकी की मम्मी थी, उनकी सिस्टर थे, उन दोनों बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत कहीं जलंधर से कहीं पंजाब से कहीं से फाइनेंशियली स्ट्रांग है बेसिकली। इसके वीडियो कॉल में पता चलता है कितने पैसे हैं किसी के पास, लाइक दे आर सेटल्ड इन कनाडा, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, घर से तो पता लगता ही है ना। मेरे घर से पता चल रहा है आपको, आपके पास कितने खुलासे हैं। मेरा रोल इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे तो खुद मोरा बनाया गया है। राखी तरफ से ये बोलती है कि आदिल को जेल में डालने का मैंने किया हुआ है सब कुछ, मेरा हाथ है। ऊपर से अभी आदिल भी सेम ही चीज बोली है ना उसने कल या परसों के, राश्री को मैंने कॉल किया था, देन राश्री ने सीधा राखी को बता दिया, फिर राखी ने पूरे फटाफट ऑर्गेनाइज किया, अरेंज की, पुलिस आई, फिर आदिल को उठा के लेके गई। मेरा ही तो रोल चल रहा है यहाँ पे, और क्या खुलासे करने हैं, मुझे अपने आप को बचाना है। अब मैं क्यों फंसूं इन दोनों के बीच में। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए। मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी, देखिए आप जिस खुलासे के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी टाइम बहुत है, अभी तो आदिल मुंबई में आए हैं, थोड़ा सा वक्त आदिल को दीजिए, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, शाम को बात करें। मैं आऊंगी सामने, जब मुझे लगेगा कि कुछ बताना है मैं जरूर आऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आज की ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केवल और केवल मेरे लिए थी। तो मैं ये राखी से जो डरी पड़ी हूँ, जो ये मुझे धमकियाँ दे रही है, आप प्लीज पूरे जनता तक पहुँचाइए, सॉरी, और मेरी हेल्प करिए। थैंक यू।